तो अभी तक लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी हैं, राइट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़ना सीखा, कॉलेज में आके सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं सीखा, उसके बाद सीखा कि कोड कैसे करते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं, इंटर्नशिप कैसे लगवाएंगे या फिर प्लेसमेंट कैसे लगवाना है, कैमरा चलाना सीखा, फोटो एडिट करना सीखा, वीडियो एडिट करना सीखा, या फिर ये सीखा कि जॉब लगने के बाद प्रोडक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है, या फिर अकाउंट में पैसा आ गया तो अब फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, और इस सब के बीच ये सीखा कि लाइफ में क्या करना है, कैसे ग्रो करना है फाइनली लाइफ में जाके। पर इतना सब करने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद कोई लिमिट या कोई एज नहीं है कुछ नया सीखने के लिए। हर दिन, हर वीक, हर महीने, हर साल आप ग्रो करते हो, आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो। इवन इफ यू आर 50 एंड तुमने किसी पे गुस्सा कर दिया, यू कैन लर्न हाउ टू कंट्रोल योर टेम्पर। गुस्सा कैसे कंट्रोल करना है ये भी तुम 50 की एज में भी जाके सीख सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हारी उम्र हो गई है तो तुम ग्रो नहीं करोगे, तुम एक बेटर पर्सन बनने की कोशिश नहीं करोगे। जब फोन नए नए आए थे, हमारे पेरेंट्स 35+40 के आसपास होंगे शायद, उन्होंने तब सीखा फोन कैसे चलाना है, वो सीखे लैपटॉप कैसे चलाना है, अभी वो सीखते हैं कि ऑनलाइन फूड कैसे ऑर्डर करना है, कैब कैसे बुलानी है। तो दे आर ऑल्सो ट्राइंग टू लर्न, और ग्रो नहीं करेंगे तो वी प्रोबेबली कांट एडजस्ट विद हाउ फास्ट लाइफ इज चेंजिंग अराउंड अस। दिस इज समथिंग आई वुड कॉल ग्रोइंग एज एन इंडिविजुअल। एंड इवन वो चीजें जिसमें तुम्हें लगता है कि तुम्हें बहुत आता है, देर इज स्टिल अ लॉट दैट वी डू नॉट नो। अगर मैं आज मान लूं कि यार मैं कैमरा में एक्सपर्ट हूं, मुझे सब आता है, तो वो ट्रू नहीं होगा। ऑफ कोर्स किसी भी फील्ड में एकदम गुरु, एब्सोल्यूट बेस्ट बनना इज नियरली इम्पॉसिबल। इसके लिए एक बहुत अच्छा फिनोमिनन है, डर्निंग क्रूगर इफेक्ट बोलते हैं इसको। बेसिकली इस ग्राफ का मतलब क्या है, लोगों को लगता है कि उनको कुछ भी नहीं आता, वो थोड़ा सीखते हैं उनको लगता है मेरे को तो बहुत आता है। जब वो थोड़ा और सीखते हैं उसके बारे में, तब उनको पता चलता है कि नहीं यार ये फील्ड तो बहुत ही वास्ट है और इसमें इतनी सारी चीजें जो मुझे अभी भी नहीं आती। एंड दैट इज वेन यू रियलाइज कि नहीं यार अभी भी बहुत कुछ सीखना बचा है। And even when you learn a lot, there still will of course be a lot more to become a master in that field. And that is where learnings would not stop तुम्हारी कोई भी फील्ड हो उसमें। सबके लिए वो टाइम होता है जब वो कुछ नया स्टार्ट करते हैं, उनको लगता है कि अरे मेरे को तो बहुत कुछ आ गया। But getting past this point on the graph एंड नोइंग तुम्हें क्या नहीं आता है, दैट इज योर ग्रोथ। अब अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो हर प्रोफेशन में भी तुम्हें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा। कि अगर मैं एक प्रोडक्ट मैनेजर हूं एक फिनटेक कंपनी में, तो मुझे अपडेटेड रहना होगा कि फाइनेंशियल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, या फिर वॉट आर द नेक्स्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट मैनेजर्स कर रहे हैं। डॉक्टर्स, राइट, दे ऑल्सो कीप ऑन रीडिंग द न्यूएस्ट रिसर्च जो कि मेडिकल की फील्ड में हो रही है, कि कौन सी नई टाइप ऑफ मेडिसिन आ रही है, कौन से नया टाइप ऑफ ट्रीटमेंट आ रहा है। अभी का सिचुएशन ले लें अगर अपन, तो एवरी डॉक्टर, एवरी वन इन द वर्ल्ड हैड टू लर्न कि कैसे ट्रीट करेंगे, कौन से ड्रग्स दे सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स वाले, कैसे बनाएंगे वैक्सीन दैट इट अफेक्ट्स द वायरस इन द बेस्ट पॉसिबल वे। ये सब चीजें सब लोगों ने सीखा ही है, राइट? किसी को पता नहीं था। दैट इज द पावर ऑफ लर्निंग, कि तुम सीख रहे हो एंड यू कैन टैकल एनीथिंग इफ यू लर्न द राइट वे। हाउ टू लर्न, आई विल कवर। अब ऑफ कोर्स ऐसा तो नहीं होगा कि कोई आएगा और तुम्हें बताएगा लो यार ये ज्ञान है और ये सीख लो और तुम महान बन जाओगे। किसी के पास टाइम नहीं है तुम्हें सिखाने का। ऑफ कोर्स इंटरनेट बेस्ट पॉसिबल चीज जिससे हम सब कुछ, मोस्ट ऑफ द चीजें सीखते हैं। यूट्यूब जिसपे तुम ये वीडियो देख रहे हो, दिस इज द बेस्ट सोर्स टू लर्न अ टन ऑफ थिंग्स। मैंने मशीन लर्निंग यूट्यूब से सीखा है बहुत सारा, मैंने बहुत सारी फोटोग्राफी, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग यूट्यूब से सीखा है। इवन मैंने अपने कॉलेज के एग्जाम यूट्यूब से पढ़ के दिए हैं। अगर कुछ यूट्यूब पे नहीं मिलता है तो वेल गूगल कर लो, गूगल करो कुछ ना कुछ आर्टिकल मिल जाएगा। अगर तुमसे कोई बग सॉल्व नहीं हो रहा है तो तुम गूगल कर लो, स्टैक ओवरफ्लो मिल जाएगा। अब मान लो तुम्हें कोई एक वास्ट टॉपिक पढ़ना है, कि मान लो तुम्हें प्रोडक्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, तुम कितना गूगल कर करके पढ़ लोगे, राइट? तो तुम उसके लिए कोर्स ढूंढना चाहोगे कि मुझे कोई एक कोर्स मिल जाए। उसके लिए यूडेमी, कोर्सेरा ऐसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। काफी सारी नई वेबसाइट्स भी आ गई हैं, सबके नाम नहीं लूंगा बट समझ गए तुम, स्मार्ट लोगों तुम सब समझ जाओगे। ऐसी जो वेबसाइट्स हैं जिसपे कंप्लीट कोर्सेज होते हैं, उन वेबसाइट्स पे यू कैन डू दो स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ कोर्सेज जो उन्होंने क्यूरेट किए हैं कि यार ये चीजें ये देख लो 10 घंटे 20 घंटे, एंड देन दैट विल गिव यू द बेसिक्स एटलीस्ट। इन सब चीजों के अलावा भी लोग काफी सारे अच्छे ब्लॉग्स लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। कि फॉर एग्जांपल कुछ लोग अच्छा ब्लॉग लिखते हैं या फिर यूट्यूब वीडियो बना लेते हैं कि हाउ डू आई मैनेज माय टाइम बेटर, हाउ डू आई मैनेज प्रोडक्टिविटी, हाउ डू आई मैनेज अ डे। जैसे रिसेंटली मैं एक ब्लॉग पढ़ रहा था फ्रॉम अ सीईओ ऑफ अ वेरी लार्ज स्टार्टअप इन इंडिया, कि यार वो अपना टाइम कैसे मैनेज करता है, इतना सारा काम होता है, इतनी सारी डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है, हाउ ही मैनेजेस ऑल ऑफ दैट विदाउट फॉरगेटिंग एनीथिंग, ऐसा सब कुछ था। ऑल ऑफ दिस स्टफ हेल्प्स अस गेट बेटर एट द थिंग्स वी आर डूइंग डेली। एक और एग्जांपल, जैसे मैं एक बुक पढ़ा था रिसेंटली सिंपली सेड करके, हाउ वी कैन कम्युनिकेट इन आवर डेली लाइफ बेटर। तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ दीस सोर्सेज आर वेरी गुड to learn about how you can be a better individual. But you also need to have very good peers and friends and colleagues. क्योंकि तुम्हारे आसपास के लोगों से, उनसे बात करके, उनके साथ काम करके, उनके साथ रह के जो तुम सीखोगे, that is also very very important learning. That is why कुछ लोग बोलते हैं ना कि always be around people जिनको तुमसे ज्यादा आता है, because of course जिनको तुमसे ज्यादा आता है तुम उनसे कुछ सीख ही पाओगे। कि तुम्हारा दोस्त है जो बहुत अच्छा कोडर है, तुम जो बहुत अच्छे PM हो let's say, तो he can learn something about management from you, you can learn something about tech from him. तो it will help both of you grow.
ग्रो, दैट्स द मोटिव. एंड सबके अलावा भी योर ओन लर्निंग्स फ्रॉम फेलियर्स एंड थिंग्स यू डू, ट्रायल एंड एरर, हिट एंड ट्रायल, वॉट एवर, उस सब से भी काफी सारी चीजें सीखेंगे ही हम. तो इट इज लर्निंग एंड देन ऑप्टिमाइजिंग बेस्ड ऑन योर प्रीवियस लर्निंग. लोग बोलते हैं कि यार नहीं, खुद गलती मत करो, दूसरों की गलतियों से सीखो. हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट शायद जो तुम्हारा लाइफ का पाथ है ऑफकोर्स वो एग्जैक्टली किसी ने किया हो तुम्हें नहीं मिलेगा. तो यू नीड टू मेक श्योर कि हाँ ठीक है, तुम अगर गलती कर भी रहे हो तो यू लर्न फ्रॉम इट एंड यू रिकवर फ्रॉम इट एंड यू डू बेटर नेक्स्ट टाइम एंड यू लर्निंग समथिंग. बहुत सारा एंड हो गया, बट यस, दैट्स द पॉइंट. ठीक है, तो बहुत सारा ज्ञान हो गया, बट ये वीडियो देखने के बाद अब क्या करना है लाइफ में? तुम्हें ध्यान रखना है, एनी वेयर देर इज एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग, लर्न दैट थिंग, बी अ बेटर इंडिविजुअल. एवरी स्मॉल स्टेप इन लर्निंग समथिंग इन लाइफ दैट विल हेल्प यू. तुम कुछ सीख रहे हो विल मेक यू हैप्पी कि अरे मेरे को ये भी आता है. शायद वो तुम्हें प्रोफेशनली हेल्प करे, शायद वो तुम्हारी कोई हॉबी हो कि तुम गिटार सीख रहे हो, यू विल फील गुड अबाउट इट. व्हेन यू आर सिटिंग विद योर फ्रेंड्स यू कैन प्ले अ सॉन्ग फॉर देम, यू नो, इट विल जस्ट मेक यू फील गुड एट टाइम्स एज वेल कि हाँ यार मेरे को भी कुछ आता है. व्हेन आई एम विद फाइव ऑफ माई फ्रेंड्स आई ऑल्सो स्टैंड आउट. दैट इज जस्ट यू गेटिंग बेटर एज एन इंडिविजुअल. एंड ऑफकोर्स डू नॉट बी डिसअपॉइंटेड बाई द फैक्ट कि इतनी सारी चीजें सीखने को है, मैं सब तो सीख नहीं सकता, क्या पॉइंट है कुछ भी करने का. जो कर रहे हो वो अच्छा कर रहे हो, तुम कुछ तो कर रहे हो, शायद कोई कुछ भी नहीं कर रहा हो. यू डूइंग गुड फॉर योर सेल्फ, यू आर बीइंग अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, दैट इज इट. चीयर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल सून, बाय.